लॉक 2.0 में गाड़ियां तो बिकी हैं, लॉकडाउन में नहीं बिकी, ये बात सही है। अनलॉक 1 में थोड़ी ज्यादा बिकी, 2.0 में और ज्यादा बिकी, और अब इस महीने के अंत में अनलॉक 3.0 का अनाउंसमेंट होगा, तब और ज्यादा बिकेंगी, ये भी एक होप है। आपके पसंदीदा स्टॉक्स ऑटो में बताइए, टू व्हीलर में भी और फोर व्हीलर में भी। बिल्कुल हेमंत जी, और जब हम गाड़ी चलाते हैं आई थिंक रेयर व्यू मिरर का काम यही होता है कि पीछे का रास्ता सिर्फ देखने के लिए होता है कि कुछ क्या क्या हमने मिस किया है। तो ऑटो कंपनीज के लिए आई थिंक रेयर व्यू मिरर हो गए हैं पिछले तिमाही और ये तिमाही इंक्लूडेड है। तो आई थिंक मार्केट्स फॉरवर्ड देखता है, इसलिए आई थिंक जो गाड़ी आगे चलेगी, जो आई थिंक विंडस्क्रीन से दिखेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मार्केट डिस्काउंट दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो पिछले कुछ तिमाहियों को मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। पिछला पूरा साल ऑटोज के लिए खराब था, डीलर फाइनेंसिंग को लेके, एनबीएफसी फाइनेंसिंग को लेके, डिमांड डिग्रोथ को लेके और BS6 ट्रांजिशन को लेके। अभी जब हम अगली कुछ तिमाहियों की बात करते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे रूरल फोकस्ड इकोनॉमीज आई थिंक अच्छा कर रही है, जो रूरल सेक्टर अच्छा कर रहा है, टू व्हीलर्स मेरे हिसाब से विद इन दी ऑटो पैक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। विद इन टू व्हीलर्स हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि इनका जो प्रेजेंस है रूरल इंडिया में ये काफी बेहतर है। और जो एक्सपेक्टेशन हम सुन रहे हैं डीलर चेक्स से, आई थिंक जो इंक्वायरीज आ रही है मंजी, और एब्सोल्युटली राइट, वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या एंट्री पॉइंट के हिसाब से हो ऑफ ओनिंग अ व्हीकल, आज आप 100 CC या 125 CC की जो एंट्री टू व्हीलर बाइक लेते हैं, इट इज स्टिल फार अफोर्डेबल कंपेयर टू अ लार्जर फोर व्हीलर व्हीकल। इसलिए आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ आने की अपेक्षा है, जो सेकेंड हाफ में फेस्टिव सीजन आएगा, जो राबी आउटपुट आएगा और जो खरीफ सीजन जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर्स में एक बहुत चुनिंदा पिक हो सकता हाई है मयूरेश जी, मरुति पर आपकी राय भी चाहिए प्लीज, कल नतीजे भी हैं इसके। है। हेमंत जी, मारुति एकदम बढ़िया करेगा सर, और इसके लिए आई थिंक वजह ही बहुत क्लियर है। जैसे मैं कह भी रहा था अभी कुछ समय पहले, आई थिंक जो इनके पास वेरिएंट्स हैं एंट्री लेवल से लेके प्रीमियम वेरिएंट्स तक, ये सारे कैटेगरीज को एड्रेस करती हैं। तो दिक्कतें कहाँ होती है थीम गुरु जी, होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन टर्म्स ऑफ पुटिंग इन दैट इनिशियल कैपिटल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो एंट्री लेवल व्हीकल्स है, जो इनकी मार्केट लीडरशिप पोजिशन है, और जैसे इन्होंने ऑप्शन अवेलेबल किए हैं, आई थिंक नॉट जस्ट एट द डीलर एंड, जैसे मैं कह रहा था आई थिंक जो लीज के ऑप्शन भी इन्होंने अवेलेबल किए हैं, आई थिंक बायर परस्पेक्टिव के हिसाब से काफी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, इंटरेस्ट सेविंग के हिसाब से भी और ओनरशिप के हिसाब से भी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो ओनरशिप पोजीशन है स्लोली एंड स्टेडली इज कमिंग बैक, का जो फुटफॉल्स है, जो इंक्वायरीज हैं, ये आई थिंक सेल्स में कन्वर्ट होंगी, और जो सेकंड हाफ आएगा ये आई थिंक बहुत अच्छा होगा ऑटो कंपनीज के लिए, स्पेसिफिकली आई थिंक फॉर कंपनीज लाइक मारुति, जिसकी डिवर्सिफाइड मॉडल पोर्टफोलियो है और जिसका डिवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सारी कंपनीज कर रही हैं और ये कंपनी भी आई थिंक अच्छी तरह से आई थिंक अपने कॉस्ट को मैनेज कर रही है। तो बिल्कुल जैसे मैंने रिपीट किया, आई थिंक मारुति आई थिंक बिल्कुल एक फोर व्हीलर से चुनिंदा पिक है।